आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 हुई तय। जसप्रीत बुमराह ने आते ही इन खिलाड़ियों को दिया मौका, तो किन खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता। जी हम बात कर रहे हैं भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए। ये सीरीज कई मायनों में टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशियन गेम्स की आपसी इससे तैयारी करने वाले हैं। इसमें कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि पहले टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, तो कौन से खिलाड़ी बाहर होंगे, जसप्रीत बुमराह अपनी कप्तानी में क्या डिसीजन लेंगे, इसकी तस्वीर खुद जसप्रीत बुमराह ने साफ कर दी है। आइए आपको बताते हैं आयरलैंड के खिलाफ जो काफी ज्यादा माथापच्ची के बाद पहले टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की तस्वीर जसप्रीत बुमराह ने साफ कर दी है। जानते हैं किन खिलाड़ियों को मौका मिला, किन को नहीं, इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। ओपनिंग प्लेयर के तौर पर आप किन्हें देखते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं, बाकी हम तो आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो जी हां, वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद अब वक्त आ गया है आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का, जिसमें आगाज जसप्रीत बुमराह करने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह के ऊपर बड़ा दारमदार रहेगा, क्योंकि ये काफी समय बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। उप कप्तानी ऋतुराज को दी गई है और इस टीम पर बड़ी दारमदारी इसलिए भी क्योंकि ये टीम आपको एशियन गेम्स खेलती हुई नजर आएंगी। तो इन सब के लिहाज से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 यहीं से सेटल होगी। पहले टी20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ। चलिए आइए आपको बताते हैं एक एक करके पूरी प्लेइंग 11। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग प्लेयर की, तो नाम ऋतुराज गायकवाड़ का आएगा। टीम के उपकप्तान है और इस खिलाड़ी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी खुद को सेटल करने का इन तीन मैचों की टी20 सीरीज में भी, क्योंकि आप एशियन गेम्स में भारत के प्रमुख खिलाड़ी रहने वाले हैं। आयरलैंड के खिलाफ अपनी फॉर्म अपनी लय में रहना चाहेंगे, टी20 का बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर आप एशियन गेम्स में जाना चाहेंगे, और वहां ये कप्तान है, उस लिहाज से भी इस खिलाड़ी की अहमियत और बढ़ जाती है। वैसे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस खिलाड़ी ने काफी कमाल का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से किया है और मैच विनिंग नॉक भी बहुत खेली है। जब ये खिलाड़ी अपने क्रीज पर सेटल होता है तो बड़ी पारी लंबी पारी खेलने का ये खिलाड़ी मादा रखता है, और उस लिहाज से भी कि इस खिलाड़ी का ऋतुराज गायकवाड़ का ओपनिंग पेयर में खेलना तय है। लेकिन इनके साथ में यशस्वी जायसवाल का भी खेलना तय है, इसमें भी कोई डाउट पैदा ही नहीं होता। यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मुकाबलों में खेल के आ रहे हैं, डेब्यू कर चुके हैं। एक मुकाबले में जो पारी नाबाद मैच विनिंग नॉक खेली वो उनके कॉन्फिडेंस को सातवें आसमान पर लेकर गया, लेकिन बाकी दो मुकाबलों में ये खिलाड़ी बिल्कुल फ्लॉप नजर आए। ये वो खिलाड़ी है मानो कि जब चल गए तो फिर आपको जीत पक्की करते हैं, और नहीं तो फिर गेंदे भी जाया नहीं करेंगे, जल्दी आउट हो जाएंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल को आयरलैंड के खिलाफ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर आप एशियन गेम्स में जाना चाहते हैं, और उस लिहाज से भी कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया की नई ओपनिंग पेयर में आपको नजर आएंगे। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा टीम इंडिया के लिए, और उस लिहाज से कि ये एक बहुत बड़ी जोड़ी बनकर आ रहे हैं। तीसरे पायदान पर नाम संजू सैमसन का जाएगा, ये इनकी फेवरेट जगह है। बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। संजू सैमसन वेस्ट इंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में हर मैच की प्लेइंग 11 में नजर थे, लेकिन एक भी मैच ऐसा नहीं कि इनके हत्थे चढ़ गया हो या इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आई हो। लेकिन सवाल यह था कि संजू पांचवें छठवें पायदान के बल्लेबाज ही नहीं, वो तो तीसरे पायदान पर खेलते हैं और उनका फेवरेट स्लॉट वही है, तो और उस लिहाज से कि अब इस खिलाड़ी का तीसरे पायदान पर खेलना आयरलैंड के खिलाफ तय है। ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो आपको नजर आएंगे आगे जाके, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बड़ी पारी निकालना होगा, दबाव इनके ऊपर रहेगा। आयरलैंड के खिलाफ अच्छा मौका है, तीनों मैचों में आपकी प्लेइंग 11 में जगह पक्की है, तीसरे पायदान आपका फेवरेट स्लॉट है, तो अपनी क्लास दिखाइए। अगर यहाँ नहीं तो फिर आपको कहीं नहीं, क्योंकि फिर आपके जगह मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरे पायदान के बाद बात करें चौथे पायदान की, तो नो डाउट नाम तिलक वर्मा का आएगा, ये इनकी फेवरेट जगह हो चुकी है। तिलक वर्मा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में तिलक ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी वो काबिले तारीफ रही। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, मानो सुरेश रैना की तरह टीम इंडिया के मिडल ऑर्डर में आकर गेम को बदलने का मादा रखेंगे। टी20 फॉर्मेट में अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, मेच्योरिटी इन्होंने दिखाई है, लंबी पारी खेलने की क्षमता इन्होंने दिखाई है, दो तीन मैच को फिनिश करने की क्षमता दिखाई है, हर एक एंगल से इस खिलाड़ी की वैल्यू बढ़ चुकी है, और चौथे पायदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ इनकी जगह पक्की हो चुकी है।
पांचवें पायदान पर नाम रिंकू सिंह का आ जाएगा। खैर इस खिलाड़ी की काबिलियत बहुत ही कमाल की है। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से ये पांच गेंदों पर पांच छक्के लगाकर आ रहे हैं और रिंकू सिंह को इस बार प्रमोट भी किया जाएगा, इसमें भी कोई डाउट पैदा होना नहीं चाहिए। रिंकू सिंह अच्छे बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, मैच को फिनिश करने का दम रखते हैं, या गेंदबाजी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिंकू सिंह ने अभी तक वो गेंदबाजी करी नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आयरलैंड के खिलाफ ये खिलाड़ी भी अपने मौके को मिले भुनाएंगे, पांचवें पायदान पर बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। बात करें छठवें पायदान की तो फिर नाम शिवम दुबे का आ जाएगा। शिवम दुबे भी अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और फिनिशिंग करने की क्षमता इनके पास भी अलग ही नजर आती है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जिस तरह का पिछले दो सालों से काम किया है वो काबिले तारीफ है और इस सीजन तो चेन्नई को चैंपियन बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो कुल मिलाकर अच्छी फिनिशिंग टच देनी होगी, गेंदबाजी ये कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या का परफेक्ट रिप्लेसमेंट अगर आप कहेंगे तो ये यही नजर आते हैं शिवम दुबे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा ऑलराउंड पैकेज टीम इंडिया के लिए नजर आते हैं और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना कप्तान के हाथ में रहेगा, तो किस तरह से उन्हें यूज करते हैं, इसलिए छठवां पायदान इन्हीं का है। सातवें पायदान पर नाम वॉशिंगटन सुंदर का आ जाएगा। ये खिलाड़ी भी बहुत ही कमाल है, ये स्पिन डिपार्टमेंट में आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी आपको करके देते हैं, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर की अहमियत बढ़ जाती है। और खैर बल्लेबाजी में जो आपको गहराई देते हैं वो अलग लेवल की है। हालांकि पिछले कुछ समय से टीम इंडिया की टी20 स्क्वाड और प्लेइंग 11 का हिस्सा वॉशिंगटन सुंदर को नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि वहां दो दो खिलाड़ी जडेजा और अक्षर पटेल दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं है तो आपको प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी और आप सातवें पायदान पर बल्लेबाजी करें। अपने नाम अपने काम को पुख्ता करें और अपनी जगह 100% पक्की करें क्योंकि ये पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, ये इनकी खासियत है। स्पिन भले ही हो लेकिन पावर प्ले भी डोमिनेट कर सकते हैं। आठवें पायदान की बात करें तो नाम रवि बिश्नोई का आ जाएगा। ये खिलाड़ी भी बहुत ही कमाल का है, हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ ज्यादा मौके मिले नहीं और एक मैच से आप इनकी परफॉर्मेंस देख नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर रवि बिश्नोई काबिलियत रखते हैं, यूजी चहल और कुलदीप यादव की गैर उपलब्धि में ये जो बहुत ही कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं। तीन टी20 मुकाबलों में अच्छा करना होगा, एशियन गेम्स में ये भी सिलेक्टेड है तो वहां अगर ये अच्छा करते हैं तो टीम इंडिया के लिए एक अच्छा बेहतरीन विकल्प बन रहे हैं। लगातार जोधपुर का ये लड़का बहुत ही कमाल का खेल पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए दिखा रही है, आठवां पायदान इन्हीं का नजर आता है। बात करें तीन तेज गेंदबाजों की, नाइन पोजीशन पर नाम जसप्रीत बुमराह का जाएगा। तीन तेज गेंदबाजी विकल्प में जसप्रीत बुमराह बड़ा नाम है, कप्तान है और तेज गेंदबाज कप्तान है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह जो एक साल बाद टीम में वापसी कर रहे हैं और उससे पहले भी एक साल कोई खास गेम नहीं खेले, यानी दो साल बाद वापसी हो रही है और जब वापसी हुई तो डायरेक्ट आप इन्हें टीम का कप्तान बना देते हैं, ये एक सवालों के निशान में रहा। दूसरा, जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अपनी लय देखेंगे, अपना वो फिटनेस चेक करेंगे, इन तीन टी20 मुकाबलों में अच्छा विकल्प है टीम इंडिया के लिए। अगर यहाँ फिट होते हैं, इनको कोई इंजरी वगैरह कोई दिक्कत नहीं तो फिर ये एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए चुने जाएंगे, तो इस लिहाज से भी कि जसप्रीत बुमराह की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। जसप्रीत बुमराह कमाल के खिलाड़ी है नो डाउट और अच्छा परफॉर्मेंस करना ये खिलाड़ी जानता है। इसके आगे अगर बात करेंगे तो दो अन्य तेज गेंदबाजों की, तो जिसमें नाम अर्शदीप सिंह का आएगा। अर्शदीप सिंह वो खिलाड़ी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार खेला है, किसी मैच में प्रभावित किया है तो किसी में नहीं। वेस्ट इंडीज जैसी बल्लेबाजी आक्रमण के सामने अगर इस खिलाड़ी की वो क्षमता दिखाई नहीं देती है तो फिर सवालों के निशान में है। बाकी एक और तेज गेंदबाज की बात करें तो आवेश खान की एंट्री हो सकती है, आवेश खान एक अच्छे गेंदबाज विकल्प देख सकते हैं। तो यह टीम इंडिया की प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट टी20 मुकाबले हमारी नजर में, आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं।